हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड हीरोज़ में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी लोक कथा की कहानी के बारे में बताएंगे जो हर छोटे छोटे गांवों में सुनाई जाती है या फिर उत्तराखंड के हर ज़िले में प्रसिद्ध है। चलिए आज की हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सुंदर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों पर काफल रोजगार का साधन हुआ करता था जो आज भी देखा जा सकता है। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटे का मन उन लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ तो उसने माँ से उन्हें चखने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कहा कर उसे काफलों को छूने से भी मना कर दिया और काफलों की छपरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई और बेटी से कहा काफलों का ध्यान रखने को। दिन में जब धूप ज़्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूख कर कम होने लगे। माँ जब घर पहुँची तो बेटी सोई हुई थी। माँ सुस्तने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की छपरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वह पहले ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी कि काफल कम होने पर उसे और गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से से पूछा कि काफल कम कैसे हुए, तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने बेटी की खूब पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और अंत मरते मरते एक बार बेटी के सर पर दे मारा, जिससे छटक कर वो आंगन में गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में जा लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठा कर माफ़ी मांगनी चाही, खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन तब तक बेटी के प्राण जा चुके थे। माँ तिल मिलाकर छाती पीटने लगी कि उसका वह एकमात्र सहारा थी और उसने अपने हाथों से ये क्या कर दिया। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। जब माँ को ये एहसास हुआ कि काफल धूप में सूखकर कम हो जाते तो उसे अपनी गलती का काफ़ी पश्चाताप हुआ और इस पश्चाताप से उसने अपने ही प्राण ले लिए। आज भी कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मर के पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मिल नहीं चाको, काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चित्काकर कहता है, पूर पुताई पूर पूर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड